days bhool ke, best days. बोल मेरी सौतेली औलाद, ट्रुथ या डेयर? अबे ओ चमन चूती, अपने कायदे के पैजामे में रहा कर और तमीज में बात किया कर। अच्छा ठीक है ना, सड़ क्यों रहा है? ओए मां, भाई तुम लोग का हो गया तो गेम को आगे बढ़ाएं। देर yes! पीछे मुड़ के देख। अब तुझे ना उसके ऑटो पे एक चुम्मा चिपकाना है। ओ घोड़ू, कैसी बातें बेकी बेकी बातें कर रहा है, ओ गुरु समझा नहीं इसे। भाई ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? बेचारे पे थोड़ा रहम कर। खड़ा हो जा, कंप्लीट योर टास्क। या ऐसा कर, हार मान जा और पनिशमेंट के लिए रेडी हो जा। यार टास्क ही इतना मुश्किल दिया है, पता नहीं पनिशमेंट कैसी देगा। सुन, ये टास्क मत कर। ओए शट अप, तू मेरी दोस्त नहीं हो सकती है। तुझे पता है ना ये टास्क मैं करके ही रहूंगा। बबलू कभी हार नहीं मानता है। बबलू, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। खोल दे इस बंदे बंदी। हाँ? क्या है ये? खोल दे उसकी किस्मत और दे दे उसे एक किस। भाई ये क्या करवा रहे, रोक उसे। वेट एंड वॉच। भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। माँ कसम, क्या चुम्मे लिया, ये तो कदे शक्ति का पुर निकला। यार लुट गया मैं, बर्बाद हो गया, मेरे कोमल होटो का हवाई अड्डा बना दिया गया। किसे करने भी दिया? यार ये कौन सा पेपर आ गया, मैं तो संस्कृत पढ़ के आ रहा था, ये तो मैथ का पेपर है। ओए सेल नंबर को समझ आई हो? भाई मैं नहीं दिखा रहा, घर से पढ़ के आया कर बाबा। अबे चूतिए, ज्यादा मत बोल, एग्जाम खत्म होने दे तब तेरी चमड़ी उधेड़ता हूँ मैं। मैम देखना, ये टेस्ट नहीं करने दे रहा। मैडम ये साफ साफ झूठ बोल रहा है, मैं तो पानी की बोतल मार रहा था इससे। ओए तू चुप कर, पहली बात तो वहाँ पानी की बोतल नहीं है और दूसरी कोई बात नहीं है, चल तू उठ और बाहर निकल। मैम यार ये कौन सी बात हुई, टेस्ट तो पूरा करने दो एटलीस्ट। ओए ये यार बार क्या बोल रहा है मुझे, यार तो मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा था और तू कैसे बोल रहा है मुझे, चलो उठ यहाँ से, दफा हो। मैम इतनी सी बात का क्या पहाड़ बना रहे हो, सॉरी बोल तो दिया, खत्म करो। ओए ऐसे कैसे बात खत्म कर दूं, तू सचिन का भाई है ना, अपने भाई से कुछ सीख, वो स्कूल का टॉपर है और खुद को देख खच्चर, जब बुला कर ला उसको। मैम वो जुगल चट्टू है, पापा को बता देगा सब कुछ। अबे यार ये फॉर्मूला कितना इजी है, बोडोमास एप्लीकेबल है, इसको तो मैं 5 मिनट में हैंडल करके दिखा देता हूँ। भाई तेरा सही है, वैसे कितने घंटे पड़ता है? ज्यादा नहीं, 24 घंटे में 28 घंटे। भाई जरा साइड में आइयो। क्यों क्या हुआ, अभी कंटीन से बोलोगे ये दिलाओ वो दिलाओ, भाई थोड़ा पेट के राहत दो नहीं तो रेफ्ट एंड पीस हो जाएगा। अबे तुझे सासी मैडम बुला रही है, चलना यार। अब क्या कांड कर दिया, अब मैं नहीं जाऊंगा, जब देखो तब बेइज्जती कराते रहते हो। यार इस बार बचा ले, अगली बार तो ये मौका नहीं दूंगा।
तेरे को मैं रूबीना का नंबर ही दिलवा दूंगा। रूबीना भाई फायदे का सौदा है, तू देख ले, तेरी जगह मैं होता तो रूबीना के नंबर के लिए मैं चला जाता। चल बेटा, तुम क्लास में इतना अच्छा परफॉर्म करते हो, तुम उसको कुछ क्यों नहीं सिखाते हो? तुम्हें पता है आज वो फिर से क्लास में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। मैम आप टेंशन मत लो, मैं इसे समझा दूंगा, इनफेक्ट मैं इसको पढ़ा भी दिया करूंगा। मैंने तो पहले ही कहा था मैम, यार इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, सब सॉर्टेड है। तू मुझे फिर यार बोल रहा है, आज तो तेरी टीसी कटवा कर रहूंगी, देख तू। मैम मैं इसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ, आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। नहीं बेटा, इसने तो आज बदतमीजी की लिबर्टी पार कर दी, आज तो इसकी टीसी मैं कटवा कर ही रहूंगी, देख तू। सॉरी मैम प्लीज, ऐसा मत करो, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। नहीं बेटा, तू ऐसे नहीं सुधरेगा, मैं तेरी लाइफ बर्बाद करके छोड़ूंगा, देख तू। भाई देख, सिगरेट ना ऐसे पी जाती है, ऐसे नहीं पी जाती, ऐसे पीने से मौत का कैंसर हो जाता है। अबे लड़की क्या नहीं देगी? भाई तू सिगरेट पीता है, तुझे डर नहीं लगता? भाई एक बार मेरे पापा तो मुझे बीड़ी पीते हुए पकड़ लिए थे, नीम के पेड़ के पीछे ले जाके जो सुट्टे दिया, अभी भी दुख और दर्द हो रहा है यार। ओफो, नेरो माइंडेड फैमिली यार, तेरी फैमिली क्या बेवकूफ है क्या? अबे भाई मुझे देख, मेरे पापा और मैं साथ में मिलके दारू पीते, वो तो भी छोड़, मेरे पेक भी मेरे पापा बनाते और मेरी मम्मी और दादी माल कुत्ती है। क्या बात कर रहे हो? अबे भाई तू कितना झूठ बोलता है, माँ कसम खा के ये बात फिर से दोहराई हो। अबे तेरी माँ की कसम है। अबे वो बजड़ बुद्धि, तेरी मम्मी ना हमारी मैथ की टीचर है, मुझे तो नहीं लगता कि हमारी मैथ की टीचर उधर माल फूकती होंगी, इतना झूठा है तू, तू झूठा है, झूठा ही रहेगा। ओ भाई ये सच बोल रहा है, इसकी मम्मी और हमारी मैथ की टीचर साक्षी में माल फूकती है, माल फूकती है, क्या फूकती है? हाँ माल। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैडम इनसे पूछो ये गंदा काम कौन कर रहा है यहाँ पर? कौन कर रहा है भाई? कौन कर रहा है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें पता नहीं है स्कूल मंदिर के समान होता है, बेशर्मो। मम्मी आपको तो पता ही है मैं तो कितना शरीफ हूँ, इन सब चीजों से मैं बहुत दूर रहता हूँ, ये कर रहा था। मैम जीना, तुम सारों ने कभी सोचा है तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है आने वाली हेल्थ तुम्हारी कैसी हो जाएगी, खास खास के बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन मैंने पढ़ा था मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अपनी सिगरेट की डिब्बी मेरे हाथ में दो और प्रॉमिस करो ऐसा कभी नहीं करोगे, और यहाँ से चले जाओ। मैम आपने आज ये बात कहकर मेरा दिल जीत लिया, अगर आप इसकी मम्मी नहीं होते ना तो मैं आज आपको अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। सॉरी मैम। सॉरी मैम। सांस में सांस आई, ये कोई सिगरेट नहीं, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर है। चलो कुछ बच्चों से और डब्बे ले लेते हैं सिगरेट की, एक हफ्ते का काम हो जाएगा। रोहन चल खड़ा हो जा।
दो महीने से तेरी फीस जमा नहीं हुई, इसलिए प्रिंसिपल सर ने तुझे क्लास में आने के लिए मना किया है। अपना बैग उठा और निकल, चल निकल। और हाँ, तुम्हारे पापा एक रिक्शा ड्राइवर है ना, जब उनकी औकात नहीं थी इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की तो एडमिशन क्यों करा लिया? सर अगर रोहन नहीं रहेगा क्लास में तो मैं भी नहीं बैठूंगा। मैं भी। क्यों कर रहे हो तुम सब ऐसा? इन जैसे बच्चों की वजह से हमारी सैलरी लेट हो जाती है, हमको टाइम से सैलरी नहीं मिलती, हमारा भी परिवार है, हमको भी वो देख के चलना पड़ती है। मिल तो जाता है ना सर, रोहन के फादर को देते हुए एक महीना ही हुआ है, वो अपने घर का खर्चा अपने पढ़ाई का खर्चा मैनेज करता है अकेले ही। आपको कोई हक नहीं है किसी भी बच्चे को उंगलेट करने का या नीचा दिखाने का। और आप बोलिए मत, दो महीने पहले जब आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था तो रोहन के पापा यही कह सकते जिन्होंने अपने ऑटो रिक्शा से आपकी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाया था। और रही बात पैसों की, दोस्तों कॉपी किताबों का ज्ञान सिर्फ आपको शब्द लिखना सिखा सकता है सर, लेकिन इन शब्दों का असली अर्थ नैतिक ज्ञान है, साथ ही जीवन और उसकी गहराइयाँ और ज़िंदगी का असल मतलब समझाता है।